क्या करेंगे, ये फ्रंट वाली शेप को बनाएंगे और फिर इसे एक्सट्रूड करके और कट करके ये शेप को ले लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो ये है हमारा सॉल्वेंट्स और सबसे पहले स्केचर में जाएंगे और फ्रंट पे बना लेते हैं क्योंकि ये जो व्यू है मेरा फ्रंट का ही व्यू है। तो मैं यहाँ से ये स्टार्ट करना चाहूँगा। अगर आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं, यहाँ ऑफ हो जाएगा, इससे हमें क्या होगा मैक्सिमम स्पेस मिल जाएगा वर्क करने के लिए। तो मैं सर्कल से स्टार्ट करता हूँ और एक सर्कल ओरिजिन से नहीं ले रहा हूँ, ओरिजिन से थोड़ा नीचे ले रहा हूँ क्योंकि इसका सेंटर भी कुछ नीचे ही आ रहा होगा, इसलिए आप नीचे से ले लीजिएगा और क्लिक। और फर्स्ट जो भी चीज़ हम बनाते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो भी चीज़ आपकी फर्स्ट है आप उसकी डायमेंशन कर लिए, सो डेट कि हमें जो इसका प्रोपोर्शन है वो हमें रेशियो जो है पता चल जाएगा कि 60 जो है हमारा कुछ इतना बड़ा आ रहा है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन लेते हैं और हमें एक अब सिंपल जो शेप आपको दिख रही है ना आप वो बनाते जाइए। यहाँ से आते हैं, थोड़ा सीधा जाना है, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे और इधर से ले लीजिए और एक सर्किल और भी है ऊपर का, वो भी चाहिए तो सर्किल लेते हैं। सेंटर यही रहेगा लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, वो मैंने बड़ा भी बना लिया। और फिर लाइन ले लेते हैं और यहाँ से आप देख रहे होंगे ये वाली सेक्शन वाली लाइन ये बनाने वाले हैं। ये वाला जो है हमारा वन कितना है हाई, ये वाला है हमारा 250, तो पूरा मुझे 250 ही इसे एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लाइन को लेते हैं और ये मिडिल से है ना, मिरर करना पड़ेगा, उसे मिरर कर लेंगे। यहाँ से जाते हैं इधर और फिर अंदर तक, कुछ आपको मिलाना नहीं है, बस अंदर तक ले लीजिएगा। आप ट्रिम कर देते हैं या इसे ट्रिम किया हमने, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ये कट हो गया है और ये लाइन नहीं चाहिए इतना। और चाहे तो पूरा ही बिल्कुल हाफ करके मिरर कर सकता हूँ मैं, तो चलिए मैं पूरा ही कट कर देता हूँ। इसे कट कर दिया और ये भी कट कर दिया, ये शेप आ गई, ये भी कट कर देते हैं। तो ये हाफ वाली शेप मेरे पास आ चुकी है, इसको मिरर करना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं मिरर, मिरर एंटिटी के अंदर जाएंगे और आप ध्यान से देखिए, कभी भी आप चाहें इसे शो कर लीजिएगा। एंटिटी ये है एंटिटी और मिरर अबाउट और ओके, तो शेप आ गया। अब डायमेंशन की बात आती है तो डायमेंशन यहाँ से लेता हूँ मैं, इस लाइन को क्लिक करते हैं टिक और ये है 150 का डाया आ गया है 150, तो ये पूरा 150 ही था और 300, तो आप यहाँ से लीजिए और इस लाइन को ये 300 का 150 हो जाएगा हाफ। इसे बंद करना चाहते हैं आप बंद कर दीजिए, यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अब ये जो लाइन आ रही है ये लाइन भी हमें दी हुई है 60, तो इसे भी कर दीजिए 60 और ये है 25, इसे क्लिक करेंगे और ये लेके आते हैं 25, ओके। और ये जो सर्किल है इसका डायमेंशन ऑलरेडी 80 है ही, तो दोबारा से मुझे नहीं लेना है। अब इन दोनों के बीच का गैप जो है वो मुझे चाहिए, ठीक है। सो इसे आप क्लिक करिए और यहाँ पे ये 80 था हमारा, ये 80 का रेडियस था, 80 प्लस 25, 80 प्लस 25 ओके, 205 ये ले लेगा ओके। तो स्केच मेरा फुल्ली डिफाइन है, सिर्फ एक ये लाइन है जिसको कि हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और ये रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट में दिखाई देगी और यहाँ से एग्जिट कर देते हैं और फीचर में जाके करेंगे इसे एक्सट्रूड और इसे शार्ज को खोल लेते हैं और यहाँ से आप मिड प्लेन रखिएगा और 150 का हाफ हो जाएगा 75। नहीं सॉरी, आपको पूरा 150 ही लेना है, 150 75 का दोनों साइड ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओके। तो फर्स्ट शेप जो है मेरी वो ये ऐसी आ चुकी है। अब नीचे वाले पेज पे जाके स्केच करते हैं और नॉर्मल कर दीजिए इसे और ये जो ऊपर वाली शेप है ये मुझे बनानी है, तो ओरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे और मिडिल में लेने से आपको पता चल गया होगा क्या फ़ायदा हुआ है हमें। और इसको मैं मिरर कर देता हूँ अबाउट
एक्सप्लेन किया हो, लेकिन ये अभी शो नहीं हो रहा है, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ से जाके सेंटर लाइन लगे हैं और यहाँ तक मैंने इसे मैच कर दिया है। और सर्कल लेने से मुझे एक बड़ा फ़ायदा क्या होगा मिरर लेने से, कि एक तो डायमेंशन में मुझे फ़ायदा हो जाएगा, मैं एक की डायमेंशन करूँगा दूसरी की डायमेंशन अपने आप आ जाएगी, दूसरा एक की पोजीशन करेंगे दूसरी की पोजीशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो दो मुझे एडवांटेज होंगे मिरर करने से। और अब यहाँ से इन्हें मैं टेंजेंट कर देता हूँ, फिर से लेकिन अभी जो स्केच है हमारा वो कंस्ट्रेंट नहीं हुआ है, तो डायमेंशन करते हैं इसकी। ये बाहर वाला जो सर्किल है ये 50 का डायमीटर है, 25 का रेडियस, ये भी हो गया होगा। और ये जो है इसको लेते हैं और ये 75 का रेडियस और 150 का डायमीटर, और दोनों के बीच का गैप सेंटर टू सेंटर ये है 250। अभी देखिए ये अगर मैच नहीं हो रहा तो इट मीन्स ये और ये आपस में प्रॉपरली मैच नहीं है, जो कि टेंजेंट होना चाहिए था, मैंने इन्हें टेंजेंट कर दिया। और इधर से भी ले लेते हैं, शायद इधर भी नहीं है इसलिए आ रहा है, और अब ये ब्लैक हो चुका होगा। अब आपको यहाँ से एग्जिट करना है और इसे घुमा लेते हैं और अब एक्सट्रूड कट लेंगे। और एक्सट्रूड कट में क्या हो रहा है, आप इसे रिवर्स करिए, ऊपर आना चाहिए, और अगर आप अभी देखेंगे तो क्या होगा, ये अंदर वाला कट करेगा। ओके, सो हम करते हैं इसे कैंसिल। हमें क्या करना है, फ्लिप आउटसाइड, तो क्या होगा, ये बाहर का कट कर देगा और अंदर का जो है वो बच जाएगा। ओके, तो ये वाली शेप आप देखिए, ये वाली शेप थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, दो तरीके हैं, आप इसको या तो सिर्फ थोड़ा ले लीजिए, या इससे पहले यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर कर देते हैं फ्लिप और क्लिक, क्योंकि यहाँ पे और ये और रेडियस है 75 का। ओके, अच्छा ठीक है, ऊपर से गोली है, सॉरी इससे लेना, और इसकी हाइट शायद रह गई है, हाइट हम पहले नहीं दे पाए थे, हमें ध्यान नहीं रहा है, वो मैं अभी अपडेट करता हूँ, पहले इसे हम देखते हैं। ओके, ये कट गया, ये ठीक आ गया। अब जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर जाते हैं और इसके स्केच के अंदर आप देखेंगे तो इसकी जो हाइट है वो हमने डिफाइन नहीं करी है, ये हाइट वाली लाइन रह भी गई है, वो लाइन मुझे मिलेगी यहाँ से 150। ओके, सो यहाँ से लेते हैं ये और ये गैप है 150। ओके, बिल्कुल बॉटम से ऊपर तक जो है ये हमारा है 150, जो कि हमने चेंज कर दिया है। एग्ज़िट, और यहाँ से एग्ज़िट करिए, अपडेट ही ऑटोमेटिकली ले लेगा, और अपडेट इसने ले लिया। अब होल है यहाँ पे, एक होल यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, सो होल कमांड में जाते हैं, होल विज़ार्ड, काउंटर बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है तो लेगेसी होल में जाते हैं, सिंपल की जगह काउंटर बोर्ड लेंगे, और पोजीशन में जाके 3D स्केच और सेंटर पे क्लिक किया, टाइप में जाएंगे, यहाँ से डायमीटर, इसका डायमीटर जो है वो है 75 का, डेप्थ तो थ्रू कटेगी, काउंटर बोर्ड का डायमीटर 100, काउंटर की डेप्थ 20, काउंटर डेप्थ 20, 75 का और 100, और ये बिल्कुल ठीक आ गया है, बस आपको ओके करना है और ये आ गया है। अगेन यहाँ पे भी है मेरे पास एक 50 और 25 का, 20 का सिंपल होल चाहिए, एक ये होल लिया हमने, और पोजीशन में जाइएगा 3D स्केच, और यहाँ से ये देखिए सेंटर आपको शो हो जाएगा, जब सर्कमफेरेंस में आएंगे उसके बाद आपको सेंटर दिखाई देने लगेगा, आप सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा। और वापस टाइप में आते हैं और यहाँ पे है ये 20 का डायमीटर आ ही रहा है, ओके कर दीजिए।
इसको आप हाइड कर दीजिए जो भी प्लेन्स हैं, एक क्लिक हाइड दीजिए। सो होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और इसके अंदर अगर कलर करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे और ये पार्ट का कलर आप अपीयरेंस यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से कलर भी पिक कर सकते हैं। और ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे नए ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।